ये पोटली बैग बनाऊंगी। इसको बनाने के लिए मैंने दो हिस्से फैब्रिक लिया है। ये 20 इंचेस लेंथ है इसकी और 10 इंचेस इसकी ब्रेथ है। और ये दो दो हिस्से मैंने ये फैब्रिक लिया है, मतलब दो पार्ट फैब्रिक के लिए हैं। और दोनों की सीधी तरफ मिला के मैंने ऐसे रख दिया है इसको। और उसके ऊपर ये शॉपिंग बैग है, शॉपिंग बैग की एक लेयर ली है। रबड़ फॉर्म मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि वो थोड़ी हार्ड हो जाएगी। और इनको मैं इस तरफ से और इस तरफ से सिलाई कर लूँगी। मैंने दोनों तरफ से सिलाई लगाकर इसको सीधा कर लिया है और टॉप स्टिच दोनों तरफ लगा दिया है। अब इसको ऐसे फोल्ड करके दोनों तरफ से सिलाई लगा देंगे, दोनों तरफ से सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने से पहले यहाँ पे हम ये 2 इंच इस तरफ से निशान लगा लेंगे। और एक सिलाई लगाएंगे इस पे और आधा इंच के ऊपर। एक सिलाई इसके ऊपर और एक इस सिलाई इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। सेम ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी बना लेंगे। तो मैंने इसमें दोनों तरफ दोनों सिलाइयों के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब इसको हम मोड़ कर दोनों तरफ से सिलाई कर लेंगे। दोनों तरफ से सिलाई लगाने के बाद में मैं इसको ऐसे फोल्ड कर दूंगी, बिल्कुल इक्वल फोल्ड करके। आप चाहे तो पिनअप भी कर दीजिए। और इसको यहाँ से थोड़ा सा राउंड शेप दे देंगे ऐसे। इस तरह से तो हम इसके इस तरफ भी सिलाई लगा देंगे। दोनों तरफ से सिलाई लगाने के बाद में मैं इसको सीधा कर लूँगी। अब इसके हम यहाँ पर एक छोटा सा कट लगाएंगे, बिल्कुल छोटा सा। दोनों तरफ ये जो दो दो सिलाई हमने लगाई थी उसके बिल्कुल बीच में। कट लगाने के बाद ये दोनों तरफ मैंने कट लगा लिए हैं। ऐसे ही मैंने ये दूसरी तरफ भी छोटे छोटे कट लगा लिए हैं। अब इसके अंदर हम डोरी इंसर्ट करेंगे। उसके लिए ये डोरी को मैंने सुई धागा लेके जोड़ लिया है और यहाँ से डोरी इंसर्ट करेंगे और पूरा दूसरी तरफ निकाल लेंगे इसको। ये देखिए मैंने पूरी डोरी इसमें डाल दी है। इधर से मैंने इसको डाला था और पूरा वापस घुमाते हुए फिर
फिर मैंने दूसरी तरफ निकाल लिया इसको। ऐसे ही ये दूसरी डोरी है, इसको अब हम इस तरफ से डालेंगे और पूरा घुमाकर इधर से निकाल लेंगे। इस तरह से ये डोरी हो जाएगी ऐसे ऐसे इधर की। तो ये दोनों तरफ से मैंने निकाल ली है। अब मुझे इसको इन दोनों तरफ इनको दोनों को अच्छे से मैं सिलकर और ये लटकन दोनों तरफ लगा दूँगी, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो ये मैंने इसमें लटकन भी लगा ली है। अब हमें इसका यहाँ पे हैंडल लगाना है। तो हैंडल लगाने के लिए मैंने ये 3.5 इंच चौड़ी और 14 इंच लंबी पट्टी ली है, इसका मैं हैंडल बना के लगाऊंगी। तो मैं इसको ऐसे सिलाई कर लूँगी, सिलाई कर लेंगे इधर। तो ये पट्टी को मैंने सिलाई लगाकर सीधा कर लिया है। अब इसको हम पर्स के अंदर से जोड़ेंगे ऐसे ऐसे इधर से और दूसरी तरफ से भी ऐसे हैंडल को जोड़ देंगे सिलाई लगा के। तो मैंने ये इसका हैंडल भी अटैच कर दिया है। तो मेरे पास ये 2 मोती रखे हुए थे, तो मैंने ये इसके अंदर हैंडल में थोड़ा डाल के फिर इसको यहाँ पे कोने में अटैच कर दिया। तो ये थोड़े देखने में अच्छे लग रहे हैं कि इसलिए मैंने डाल दिया था। तो ये हमारा बैग बनकर रेडी है। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो जानने के लिए। थैंक यू।